मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना। कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। मेरा नाम फारूक अहमद है, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। सर हम यहाँ नवंबर में तकरीबन आए थे, नवंबर से आज तक हम शाल शूल यहाँ बेचते थे, शाल शूल का काम करते थे। उसके बाद 21 तारीख को मोदी साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके बाद ऐसे इतना ही फंस के रह गए। उसके बाद सानी बहुत दिक्कत आ रही थी, गर्मी भी थी, पैसे भी जो हमारे पास पैसे वो सारे खत्म हो गए, हमारे पास किराया भी नहीं है। हम प्रशासन को मांग करते हैं कि हमें घर भेज दो। उसके बाद हमारे पास राशन पानी था, SSP संदीप गोयल साहब आया था, उसने हमें राशन दे दी। और यहाँ के मस्जिद कमेटी, हमारे मुसलमान भाई है, डॉक्टर साहब हैं, वो है उसका नाम है पत्रकार है महबूब साहब है, मजीद साहब है, उन्होंने हमें राशन दे दी। राशन की तो दिक्कत की और बात है, लेकिन हमें अपने घर में हमारे परिवार है, हमें परिवार की याद आती है, वो वहाँ रोते हैं, हम यहाँ रोते हैं। इधर से गर्मी भी है, गर्मी भी हमें तंग करती है, क्या करेंगे, हमें बर्दाश्त नहीं होती है गर्मी। यहाँ पर आपके कुछ बंदे बीमार भी हो रहे हैं क्या? बंदे भी बीमार हो रहे थे, वो अस्पताल में गए, किसी को दांत में दर्द था, बहुत दांत दुख रहा था उसको, उसने डॉक्टर को बोला मुझे दवाई दे दो या इसको निकाल दे। डॉक्टर ने ऐसे ही लिख के दवाई दे दी, बोला दूर बैठो, उधर बैठो दूर, तो दवाई दे दी। आज ना कुछ नहीं, लॉकडाउन के बाद आ जाओ ना, फिर देखेंगे। अभी आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दो, हमें अपने अपने घरों तक पहुँचा दो।